नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ में संतान सप्तमी व्रत में बनाए जाने वाले मीठे पुए की रेसिपी शेयर करूंगी। यह व्रत मम्मियां बच्चों की लंबी आयु और मंगल कामना के लिए रखती हैं। और ये पुए व्रत में तो बनाए ही जाते हैं, पर आप बिना व्रत के भी इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो पुए बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गुड़। यहाँ पर ये मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, कट कर लिया है। चाहे तो आप ग्रेट भी कर सकते हैं और चाहे तो थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में भी चला सकते हैं, अगर आपको जल्दी में बनाना है तो। पर मेरे पास पर टाइम है तो मैं इसको मॉर्निंग में 1.5 कप गुड़ को 1 कप पानी के साथ में भिगो के रख दे रही हूँ। आप चाहे तो और जल्दी बनाना है तो आप इसे गर्म पानी में भिगो सकते हैं, पर चूँकि वक्त है मेरे पास में, इसलिए मैं ठंडे पानी में इसको भिगो के रख दे रही हूँ लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो ये अच्छे से भीग जाएगा और इसमें इस प्रोसेस में गुड़ अच्छे से इसमें घुल भी जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने ढक्कन को खोल के देखा और ये देखिए गुड़ बहुत अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो चुका है, बहुत अच्छे से घुल गया है। लेकिन इससे पुए बनाने के पहले इस घोल को हम चाय छानने वाली छन्नी से अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि सारी गंदगी बाहर निकल जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर आटा लगाते हैं। तो इसके लिए एक सूखा हुआ बोल लिया मैंने और इसमें हम लेंगे गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे के पुए तैयार करेंगे हम इस व्रत के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 कप गेहूं का आटा लेना है। आटा मैंने पहले से ही छान लिया था, तो छान के आटा लीजिएगा अगर आप चाहें तो। और चोकर वाला आटा लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, पर व्रत का बना रहे हैं तो छान के लीजिएगा। और पुओं को सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर मोयन के लिए मैंने 1.5 चम्मच देसी घी डाला है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। पर अगर ये नहीं डालना चाहते हैं आप तो घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी इसमें काफ़ी अच्छा मोयन पड़ जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट पुए बनकर तैयार होंगे। तो बिल्कुल नरम पुए बनाने के लिए इसको ज़रूर डालिएगा। अगर ये नहीं डालेंगे ना तो जो पुए हैं वो काफ़ी कड़े कड़े सख्त से बनते हैं, चीठे चीठे से होते हैं, बाद में एकदम खिंचते से हैं या कड़े हो जाते हैं। और अब यहाँ पर ये गुड़ का जो घोल था हमने छान के रख लिया था, इसको हम थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इमीडिएट पुए बना रहे हैं तो आप इसका टाइट डो भी लगा सकते हैं, पर अगर आप थोड़ी देर बाद पुए बनाना चाहते हैं, जैसे आप 2-3 घंटे बाद बनाना चाहते हैं, तो इसका आटा बिल्कुल ढीला लगाइएगा, नरम लगाइएगा रोटी की तरह, क्योंकि जो गुड़ रहता है वो बाद में इस आटे को काफ़ी सख्त कर देता है, इसलिए पहले से आप इसमें ढीला आटा लगाइएगा। तो मैं तो अभी इमीडिएट बनाने वाली हूँ इसलिए मैं इसको काफ़ी सख्त लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने बिल्कुल सख्त आटा तैयार किया है थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालते हुए। लेकिन अगर आप कुछ देर बाद बनाएंगे तो आप इसको नरम बनाइएगा। ये देखिए मैंने बिल्कुल सख्त रखा है क्योंकि मैं तो इमीडिएट बनाने वाली हूँ। बस इसको मैंने ढक के 5 मिनट रखना है जब तक मेरा तेल गर्म होगा। और ये लगभग 1/4 कप गुड़ का पानी बच गया है। इसमें आटा और ड्राई फ्रूट्स मिला के आप इसके गुलगुले तैयार कर सकते हैं, तो मैं तो यही करने वाली हूँ। और जब तक हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, इसको मैंने फटाफट से दोबारा से अच्छे तरीके से नीड करना है। ये देखिए बिल्कुल कड़े हाथ से मैं इसको फिर से मसल लूँगी अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे, तो इसमें से एक पोर्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पूजा में 7 पुए मंदिर में चढ़ाने के लिए चढ़ाए जाते हैं पूजा में, और 7 पुए जो मम्मियाँ होती हैं उसको दिन भर में सेवन करना होता है, उसे खाती हैं और बच्चों को दे सकते हैं और घर में जो भी मेंबर हैं उनको दे सकते हैं। तो इसलिए 7 पुए जो होते हैं वो घर के लिए बनते हैं और 7 पुए मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले 7 इसकी लोइयाँ कट करूँगी, क्योंकि 7 हम मंदिर में चढ़ाएंगे और 7 घर पे के लिए बनाएंगे। तो ये देखिए इसको इस तरीके से गोल गोल करके मैं लोई बनाती चली जा रही हूँ। इकट्ठी में लोई बना के रख लूँगी पहले 7, और उसके फिर पुए किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये 7 बन चुकी हैं लोइयाँ, और बस इसको नॉर्मल जैसे बेलते हैं उस तरीके से, पूरी जैसे बेलेंगे उस तरीके से हम बेल लेंगे। तो हमारे में मोयन बहुत अच्छा पड़ा है इसलिए मेरे को ऑयल लगा के बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं। अब ये साइड से देखिए कट फट जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप चाहें तो इसको किसी ढक्कन से कट कर सकते हैं। थिकनेस आप देख लीजिए इतनी होनी चाहिए, पूरी से थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और साइड में जो ये कट फट से जाती हैं, चूँकि टाइट इसका डो होता है, बहुत नरम नहीं होता है, तो इसलिए इस तरीके से अंगूठे से आप देखते जाइए, मैं इस तरीके से इसको ट्विस्ट करते जा रही हूँ और बहुत अच्छी सी सुंदर सी खूबसूरत सी डिज़ाइन बन जाती है। और इसका जो कटा फटापन होता है साइड किनारों का वो भी छुप जाता है। तो इस तरीके से पुए बनाइए, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने जैसे करना बताया है आप बहुत आसानी से कर पाएंगे अंगूठे की मदद से। और ये हमारा पुआ बनकर तैयार हो चुका है, तो इस तरीके से मैं 7 पुए बना लूँगी। और तेल भी हमारा जब तक गर्म हो चुका है, तो जब हम तेल में डालेंगे तो बिल्कुल तेज़ गर्म होना चाहिए ऑयल, और जब हम इसको डाल दें तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा।
और इसमें इस तरीके से तेल उछालते हुए हम इसको तलेंगे। तो इसको हम दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए नहीं तलेंगे, एक तरफ से उछालते जाएंगे, एक ही साइड से तलेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया फूलता चला जा रहा है हमारा पुआ, और बहुत ही शानदार, नीचे से अच्छे से सिक जाता है, ऊपर से हल्का सिका रहता है, थोड़ा सा हल्का कलर होता है। एक ही साइड से सेकेंगे और इसको बाहर निकाल लिया, फिर हम दूसरा पुआ भी डाल लेंगे। इस तरीके से हम सातों पुए बना लेंगे और उसके बाद हम घर के लिए भी सात पुए तैयार कर लेंगे। और इसमें अगर आप व्रत में नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं, आप इसमें चीनी डाल के भी पुआ बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं। पर चूंकि ये व्रत के हैं इसलिए इसमें गुड़ के अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो आप में से कौन कौन ये व्रत करता है और कौन कौन इस व्रत को जानता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।